और अब मैं पहुंचा हूं औरंगी के नाले चमन सनबा की तरफ। और ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूं कि इधर से बिल्कुल कचरा बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है और स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल पानी का बहाव तेज़ है, कितनी तेज़ी के साथ पानी का बहाव है। ये मैं इस वक्त अपडेट आप कर रहा हूं आपको औरंगी के नाला चमन सनबा की तरफ का। इसके बाद मैं आपको गुजर नाला खामोश कॉलोनी की अपडेट दूंगा इसके साथ ही वीडियो के साथ ही। आज 13 जून सन 2021 इतवार का दिन है और ये मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको चमन सनबा औरंगी के नाले की। अब इसके बाद मैं आपको खामोश कॉलोनी गुजर नाले की तरफ ले चलता हूँ और वहाँ से मैं आपको उधर की भी अपडेट देता हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है तमाम व्यूवर साथ खैरियत से होंगे। आज 13 जून सन 2021 इतवार का दिन है और मैं आज आपको अपडेट दे रहा हूँ गुजर नाला खामोश कॉलोनी की। स्क्रीन पर आपको मशीन तो काफ़ी दिनों से यहाँ खड़ी हुई है लेकिन कोई वर्किंग नहीं हुई और कचरे का अंबार आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कितना कचरा इस वक्त जमा है। इस नाले पर अभी फ़िलहाल कोई सफाई वगैरह का काम शुरू नहीं किया गया है, अब इसकी क्या वजह है ये पता नहीं। बहरहाल मैंने कहा इधर की आपको अपडेट दी जाए गुजर नाला खामोश कॉलोनी की, तो एक छोटी सी अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको। सामने ये दूसरा पॉइंट है गुजर नाला नाजोबाद 2 नंबर और लियाकताबाद का सामने रो लगेगी वो 3 नंबर कहलाएगा। आगे बेनता कचरा पड़ा हुआ है मेरा ख़्याल में यहाँ पर, अब अगर ये मशीन रखी है तो इसको यूज़ में लाया जाए और इस कचरे को बारिशों से पहले जो है सफाई की जाए, जिस तरीके से दूसरे गुजर नाले के पॉइंट औरंगी नाला गुजर नाला शफीक मोड़ 0 पॉइंट बंगाली पाड़ा वगैरह पर काम जारी है तेज़ी के साथ, जियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ कचरे की सफाई, तो इधर भी जल्द से जल्द बारिशों से पहले जो है कचरा साफ़ किया जाना चाहिए क्योंकि इधर जो है कचरा बेइंतहा है और ये आगे तक इसने पानी को चोक किया हुआ है। ये देखें स्क्रीन मैंने क्लोज किया है और ये कचरा कितना ना ज़्यादा भरा हुआ है, पानी आगे चौक है और यहीं तक रुका हुआ है। अगर बारिश हो गई वक्त से पहले तो ये एक मसला बन जाएगा यहाँ के मकीनों के लिए, तो लिहाजा इसको जो है यहाँ पर भी काम किया जाए। ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ गुजर नाला खामोश कॉलोनी की तरफ। ये सामने जो है लियाकताबाद निकलेगा और इस तरफ जो है नाजाबाद चौरंगी की लिए जाएगा। तो एक ही छोटी सी अपडेट थी व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।